इसके बाद है नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट इनमें नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, मतलब इनके अंदर नर्वस सिस्टम जिस तरह हमारे अंदर सेंट्रलाइज टाइप का नर्वस सिस्टम है, इनमें भी ऐसा होता है। अब इनका नर्वस सिस्टम जो है हमारे सिस्टम की तरह, यानी ब्रेन तो जाहिर सी बात है इसमें नहीं होता, इनमें गेंगलिया होता है, ठीक है, गेंगलिया। अच्छा, ब्रेन और गेंगलिया के बारे में जो है ना डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लें ब्रेन जो है ना ये क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन है, गेंगलिया भी क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन है, लेकिन ब्रेन ह्यूज क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन होता है, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं, जबकि गेंगलिया में न्यूरॉन कम होते हैं। और ब्रेन और गेंगलिया ये तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन को बॉडी के रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उसको एनालिसिस करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उसको रिस्पॉन्स कैसे देना होता है। तो गेंगलिया का भी काम, यानी यूँ समझ लें हमारे बॉडी में जो काम ब्रेन कर रहा है, इनमें वो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन यानी गेंगलिया परफॉर्म कर रहा होता है। इसलिए इनका नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज टाइप का नर्वस सिस्टम कहलाता है, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ गेंगलिया। अब इस गेंगलिया के बाद अगला जो इनका सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फाइनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और दोनों तरीके से होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जो होती है वो होती है बाय रीजनरेशन। रीजनरेशन कैसे, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक जो है ना वो राउंड वर्म मौजूद है, एस्केरिस कहते हैं इसको। अब इस राउंड वर्म को अगर आप मिसाल के तौर पे बीच में से कट कर दें, दो हिस्से कर दें इसके, तो अब एक हेड वाला पोर्शन अलग और टेल वाला पोर्शन अलग हो गया। क्या होता है कि इस हेड के नीचे टेल डिवेलप कर जाएगी और टेल रीजन के ऊपर हेड डिवेलप कर जाता है, जिससे ये वर्म दो हो जाते हैं। ये रीजनरेशन जो है ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनका मेथड कहलाती है। जबकि इनमें मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है कि इन ऑर्गेनिजम्स में बाकायदा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि सेक्सुअली मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब हम देख के बता सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। अब मेल और फीमेल का पता कैसे चलता है, मेल का जो साइज होता है वो फीमेल के मुकाबले में नेचुरली स्मॉल साइज का होता है, छोटा होता है कुदरती तौर पर। इसलिए स्मॉल साइज के जो होते हैं वो मेल होते हैं और जो लार्ज साइज के वो फीमेल। इसलिए कहा जाता है कि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का प्रोसेस होता है। अब जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का जो प्रोसेस है, बरहाल ये जो इनकी फीमेल्स होती हैं इनमें रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हाई होता है, यानी ये एक बहुत ज़्यादा ले करती हैं और इवन दो दो लाख अंडे एक दिन में इनकी फीमेल जो ना ले कर देती हैं। और वो अंडे जो होते हैं, एग्स जो हैं, वो जिस होस्ट के अंदर ये एग ले कर रही होती हैं उसकी बॉडी से फीसिस के जरिए बाहर आ रहे होते हैं और बाहर आने के बाद खाने पीने की चीज़ों के साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल हो जाते हैं, फिर अंदर जाकर अंडों से लार्वा और फिर अडल्ट निकलता है और फिर इस तरीके से ये प्रोपेगेट करना शुरू कर देते हैं एनवायरनमेंट में। स्टूडेंट फाइनली इंपॉर्टेंस ऑफ नीमाटोडा। स्टूडेंट नीमाटोड जो होते हैं इसका बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इतनी तो इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये हार्मफुल बहुत होते हैं। मतलब सबसे पहली बात तो ये कि कुछ नीमाटोड ऐसे होते हैं जो कि प्लांट पेस्ट हैं, मतलब प्लांट्स के ऊपर अटैक करके उनको नुकसान पहुँचाते हैं। ये प्लांट्स की रूट्स को डैमेज करते हैं, जिससे ओवरऑल प्लांट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और पूरी फसल ख़राब करते हैं, तो ये प्लांट के लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं। इसके अलावा एनिमल और ह्यूमन के लिए भी ये इक्वली डेंजरस हैं। इवन ह्यूमन के बारे में कहा जाता है कि 50 डिफरेंट टाइप की स्पीशी इंसान के ऊपर अटैक करती हैं इसकी, और ये सारी एक साथ भी अटैक कर सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक इंसान के अंदर एक ही टाइप का नीमाटोड अटैक करता है, एक ही टाइम पर मल्टीपल डिफरेंट टाइप के नीमाटोड्स भी अटैक कर सकते हैं। तो ये एनिमल्स के लिए भी उतने ही हॉरेबल और डेंजरस होते हैं जितने प्लांट्स के लिए होते हैं। सबसे ज़्यादा जो जिस वर्म से ह्यूमन के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। ये जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड जो है ये सबसे ज़्यादा जो पेट में कीड़े वगैरह जो लगते हैं वो इस पैरासाइट से लगते हैं। और ये यानी अब सोचें कि इंटेस्टाइन में ये पैरासाइट मौजूद हैं, वहाँ से मूसलसल ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, तो जो भी न्यूट्रिशन हम लोग खाते हैं वो सारी ये यूज़ कर जाते हैं। इससे ऐसे बच्चे जिनके पेट में इस टाइप के कीड़े होते हैं उनको भूख बहुत लगती है, क्योंकि न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रही होती। अब वो भूख को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा खाते हैं, अब बहुत ज़्यादा वो खाते हैं तो इनको इतनी न्यूट्रिएंट्स मिलती है, और इतनी न्यूट्रिएंट मिलती है तो उतनी तेज़ी से ये प्रोपेगेट करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को और बढ़ाते हैं उनके अंदर।
तो ये थोड़ा सा इशू है। इसके अलावा एक और पैरासाइट होता है एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा बॉडी में कहीं पर भी कांटेक्ट में आ जाए, ये वहाँ पर यानी वो सुराख करके अंदर दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद स्मॉल ये इंटेस्टाइन में जाकर सेटल हो जाता है और वहाँ पर जाकर ब्लड सकिंग करता है। इसके अलावा एक और भी बीमारी होती है एलिफेंटियासिस फिलेरियासिस जिसको कहते हैं, और वो भी विचरेरिया नाम के एक पैरासाइट से होती है। ये विचरेरिया नाम का पैरासाइट बॉडी में एंटर होने के बाद लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद ये एलिफेंटियासिस का केस सामने आ जाता है, जिसमें उसके जो आर्म्स होते हैं, लेग्स होती हैं, स्क्रोटम होती है, ये बहुत ज़्यादा सूज कर बड़ी हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंस के अतबार से देखा जाए तो ये बड़े ख़तरनाक और जो ना डिजीज़ फैलाने वाले होते हैं। स्टूडेंट हमारा तीसरा फाइलम जो था फाइलम नेमाटोडा या एस्कल्मेंथिस, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना चौथा फाइलम स्टार्ट करेंगे। इस फाइलम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।